हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक प्रोग्राम जिसमें एक इंटीजर टाइप एरे है, उसको हम सॉर्टिंग करेंगे उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सो टुडेज टॉपिक इज राइट ए प्रोग्राम टू रीऑर्डर ए वन डायमेंशनल इंटीजर एरे। पहले हम आज का ऑब्जेक्टिव लिखते हैं प्रोग्राम का कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि राइट ए प्रोग्राम टू रीऑर्डर ए वन डायमेंशनल इंटीजर एरे फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, मतलब हमारे पास एक वन डायमेंशनल एरे है जिसके अंदर इंटीजर टाइप एलिमेंट है और उसको हमें क्या करना है, उसकी सॉर्टिंग करनी है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब स्मॉलेस्ट एलिमेंट सबसे पहले होगा और लार्जेस्ट एलिमेंट सबसे बाद में होगा। तो देखिए, इसके लिए जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले मान लीजिए हमने ये कमेंट लाइन लिख दिया। ठीक है, तो कमेंट लाइन में हमने लिख दिया रीऑर्डर ए वन डायमेंशनल इंटीजर अरे फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। तो हमने लिखा इंक्लूड stdio.h। ठीक है, फिर हमने मान लीजिए इसका साइज डिफाइन कर दिया, तो हमने लिखा डिफाइन साइज 100, साइज 100, यानी 100 एलिमेंट की एरे है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि आगे एक फंक्शन हमको यूज होना है, तो उस फंक्शन को हम फंक्शन प्रोटोटाइप यहाँ डिक्लेयर कर देंगे, वॉइड रीऑर्डर। रीऑर्डर क्या हो गया, फंक्शन का नाम हो गया, इंटीजर एक्स, ये हमने फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर दिया। अब यहां से शुरू करते हैं मेन बॉडी। तो यहां पे हमने लिखा मेन इंटीजर आई एन और एक्स को ले लिया हमने साइज। ठीक है, तो इस तरह से जो भी वेरिएबल है और जो एरे है उसको हमने यहाँ पे ले लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले हम वैल्यू रीड करेंगे। तो यहाँ पे हमने कमेंट लाइन में लिख दिया रीड इन ए वैल्यू फॉर एन, रीड इन ए वैल्यू फॉर एन, प्रिंट एफ किया कोट्स स्लैश एन, हाउ मैनी नंबर्स विल बी एंटर्ड, मतलब एरे में कितने नंबर हम एंटर करेंगे। तो हाउ मैनी नंबर्स विल बी एंटर्ड। ठीक है, अब कितने नंबर एंटर करने हैं वो हमने यहाँ स्कैन एफ करके उसको स्टोर कर लेंगे एन में। तो मैं लिखा परसेंटेज डी कोट्स क्लोज्ड कॉमा एम परसेंट एन, ये हो गया, नंबर ऑफ वैल्यू स्टोर हो गई। अब हम नेक्स्ट लाइन मान लीजिए जाने के लिए हमने लिखा प्रिंट एफ और स्लैश एन, ये हो गया। अब हमने कहा रीड इन द लिस्ट ऑफ नंबर, रीड इन द लिस्ट ऑफ
नंबर्स, ठीक है। अब लिस्ट ऑफ नंबर को जब हम रीड करेंगे तो रीड करने के लिए क्या करते हैं, हम फॉर का लूप चला देते हैं। हमने लिखा फॉर आई इक्वल टू जीरो से आई इज लेस देन इक्वल टू एन तक और प्लस प्लस आई, ये किया हमने। अब फॉर की बॉडी स्टार्ट करेंगे तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पे आ गए। यहाँ से ये फॉर की बॉडी शुरू हुई, प्रिंट एफ कोट्स आई इक्वल टू परसेंटेज डी, फिर एक्स इक्वल टू हमने लगा दिया कोट्स कॉमा, यहाँ दे दिया आई और यहाँ हमने दे दिया आई इक्वल टू परसेंटेज डी, एक्स इक्वल टू कोट्स और कॉमा आई प्लस वन। तो कोट्स के बाद जो है हमने कॉमा लगा के यहाँ पे आई प्लस वन दे देंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट क्लोज हो गया। और फिर स्कैन एफ किया, स्कैन एफ परसेंटेज डी कोट्स क्लोज कॉमा एम परसेंट एक्स आई, ठीक है। तो ये एरे के एलिमेंट स्टोर हो गए। अब उसके बाद यहाँ पे फॉर की बॉडी बंद हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, रीऑर्डर ऑल एरे एलिमेंट्स। तो अब हम सॉर्टिंग करेंगे, तो यहाँ हमने लिखा रीऑर्डर ऑल एरे एलिमेंट्स, ऑल एरे एलिमेंट्स। तो इनको रीऑर्डरिंग कैसे करेंगे, ये देखिए यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल किया रीऑर्डर, और किसके लिए हमने कॉल किया, एन और एक्स के लिए, ठीक है। फिर हमने कहा जब ये फंक्शन कॉल करके हमारे पास वैल्यू आ गया तो हमने कहा कि डिस्प्ले द रीऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर, डिस्प्ले द रीऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स, ठीक। अब यहां हमने लिखा प्रिंट एफ स्लैश एन रीऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर, री ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स स्लैश एन अब यहाँ पे हम नंबर को डिस्प्ले कराने के लिए हम लिखा फॉर आई इक्वल टू जीरो आई इज लेस देन एन प्लस प्लस आई, यहाँ पे फॉर की बॉडी स्टार्ट किया हमने। या अगर आपको सिंगल स्टेटमेंट देना है तो कोई जरूरी नहीं कि आप फॉर के लिए बॉडी लेने की जरूरत नहीं है, आप सिंगल स्टेटमेंट जो है आप डायरेक्टली भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए प्रिंट एफ आई इक्वल टू परसेंटेज डी, एक्स इक्वल टू परसेंटेज डी आई प्लस वन और एक्स आई, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि रीऑर्डर होके जो वैल्यूज आएंगी वो डिस्प्ले हो जाएंगी। अब जो हमने फंक्शन कॉल किया था, फंक्शन को यहाँ डिफाइन करें तो हमने यहाँ लिखा void reorder integer n comma integer x, ठीक है। ये हो गया rearrange the list of numbers, the list of numbers।
अब रीअरेंज कैसे करेंगे, देखिए वर्ड के अंदर हमने ये लिया, तीन वेरिएबल ले लिए, एक लिया इंटीजर आई, दूसरा हमने लिखा आइटम, और तीसरा हमने लिखा टेम्प, मतलब टेम्परेरी वेरिएबल टेम्प। ये तीन वेरिएबल हमने लिए। अब हमने क्या कहा कि फॉर आइटम इज इक्वल टू जीरो, फॉर आइटम इक्वल टू जीरो से लेकर और आइटम इज लेस देन एन माइनस वन और प्लस प्लस आइटम, इस रेंज के लिए फॉर का लूप चलाएंगे। और देखिए इसके अंदर क्या होगा, तो यहीं पे लिखिए फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल रिमेनिंग एलिमेंट्स। तो अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल रिमेनिंग एलिमेंट्स। ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल रिमेनिंग एलिमेंट्स। अब क्या होगा कि दोबारा से हम फॉर का लूप चलाएंगे, फॉर आई इक्वल टू ये हो जाएगा आइटम प्लस वन, आई इज लेस देन इक्वल टू लेस देन एन प्लस प्लस आई, प्लस प्लस आई। अब इसके अंदर क्या होगा कि हमें ये चेक करना है, तो हम ये चेक करेंगे कि इफ एक्स आई इज लेस देन एक्स आइटम, इफ एक्स आई इज लेस देन एक्स आइटम तो क्या होगा, इंटरचेंज टू एलिमेंट्स। तो यहां पे हम लिख देंगे इंटरचेंज टू एलिमेंट्स। ठीक है, अब ये हो गया आपका टेम्प इक्वल टू एक्स आइटम, फिर एक्स आइटम में क्या आ जाएगा, एक्स आई आ जाएगा, और एक्स आई में टेम्प चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये इफ की कंडीशन बंद हो जाएगी और फिर जो भी वैल्यू आएगी उसको हम रिटर्न, कुछ करना नहीं हमने, ये हमने रिटर्न किया और ये हमारा फंक्शन क्लोज हो गया। अब देखिए इस प्रोग्राम में क्या होता है कि इन दिस प्रोग्राम एक्स इज डिफाइंड इनिशियली एज ए 100 एलिमेंट इंटीजर अरे। ठीक है, यूज यूज द सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट साइज टू डिफाइन द साइज ऑफ एक्स। तो देखिए इनिशियली इसमें क्या हुआ होगा कि हमने एक्स जो हमारी एरे है उसको इनिशियली हमने क्या डिफाइन किया हुआ है, हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि ये इनिशियली हमने इसको साइज क्या दिया हुआ है, 100। ठीक है, उसके बाद ए वैल्यू फॉर एन इज फर्स्ट रेड इन टू द कंप्यूटर फॉलोड बाई न्यूमेरिकल वैल्यूज फॉर द फर्स्ट एन एलिमेंट्स। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी x0, x1, x2 अप टू xn-1 तक जाती है, फॉलोइंग द डाटा इनपुट n एंड x आर पास टू द फंक्शन रीऑर्डर। फिर हम n और x को जो है पास करते हैं रीऑर्डर फंक्शन में, ये है रीऑर्डर फंक्शन। अब रीऑर्डर फंक्शन में क्या होता है, फर्स्ट एन एलिमेंट्स ऑफ x आर रीअरेंज्ड इन टू असेंडिंग ऑर्डर, द रीऑर्डर्ड एलिमेंट्स ऑफ एक्स आर देन डिस्प्लेड फ्रॉम मेन एट द कंक्लूजन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक, अब इसमें क्या होता है, द डिक्लेरेशन फॉर रीऑर्डर अपीयरिंग इन मेन इज रिटेन एज ए फंक्शन प्रोटोटाइप
एज ए मैटर ऑफ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। तो यहाँ पे देखिए ये फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया हुआ है गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के लिए। द मैनर इन विच द फंक्शन आर्गूमेंट्स आर रिटन, इन पर्टिकुलर नोट दैट द सेकेंड आर्गूमेंट इज आइडेंटिफाइड एज एन इंटीजर एरे बाई द एम टी स्क्वायर। ये देखिए एम टी स्क्वायर से बता रहा है कि ये इंटीजर एरे है। ब्रैकेट्स दैट फॉलो द एरे नेम, द स्क्वायर ब्रैकेट्स आर ए रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ दिस आर्गूमेंट स्पेसिफिकेशन। अब मान लीजिए कि प्रोग्राम इज यूज टू रीऑर्डर द फॉलोइंग सिक्स नंबर। अब इसको हम एग्जाम्पल लेके बात करते हैं कि मान लीजिए ये प्रोग्राम जो है वो हमारा रीऑर्डर करने के लिए यूज हो रहा है 6 नंबरों को। जैसे हमने कहा फॉर एग्जाम्पल 6 नंबर जो है हमारे पास कौन कौन से हैं, 595, फिर हमने कहा 78, फिर हमने कहा कि -1505, ये हो गया, फिर हमने कहा माइनस का 1505, फिर हमने कहा कि 891, उसके बाद है माइनस का 29, उसके बाद है 7। अब इसको रीअरेंज अरेंज करने के लिए यूज हो रहा है। तो इसका मतलब जब इस प्रोग्राम को हम रन कराएंगे तो प्रोग्राम का जो आउटपुट हमको मिलेगा, जो डिस्प्ले आउटपुट मिलेगा, वो इस तरह मिलेगा। देखिए प्रोग्राम का आउटपुट किस तरह आएगा, इसको हम ग्रीन उसमें लिख दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये लाइन लिखी हुई आएगी हाउ मेनी नंबर्स विल बी एंटर्ड, नंबर्स विल बी एंटर्ड, ये लिखा हुआ आएगा। इसके बाद कर्सर रहेगा तो हमने उस पर दे दिया 6, यानी 6 नंबर एंटर करेंगे। अब 6 नंबर में कौन कौन से होंगे, जैसे हमने लिखा आई इक्वल टू 1, 595 एंटर कर दिया, फिर आई इक्वल टू 2, 78 एंटर कर दिया, फिर आगे चलिए आई इक्वल टू 3, आई इक्वल टू 3, फिर हमने एंटर कर दिया माइनस का 1505, फिर आई इक्वल टू 4, 891, फिर आई इक्वल टू 5, ये आ गया माइनस का 29, और आई इक्वल टू 6 पे आ जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस का 7। अब इसके बाद जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो आएगा ऐसे लिखा हुआ रीऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर, लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो रीऑर्डरिंग के बाद जो लिस्ट ऑफ नंबर डिस्प्ले होगा तो आप प्रोग्राम में देखिए किस फॉर्मेट में होगा, फिर ऐसे लिखा हुआ आएगा आई इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू -1505, फिर आई इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू हो गया माइनस का 29, फिर आई इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस का 7, फिर आई इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 78, फिर आई इक्वल टू 5, एक्स इक्वल टू आ गया 595, और आई इक्वल टू 6, एक्स इक्वल टू आ जाएगा 891। तो इस तरह से जो हमारी इनपुट लिस्ट थी वो सॉर्टेड ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रीअरेंज हो जाएगी। अब इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि शुड बी मेंशन दैट द रिटर्न स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज टू रिटर्न एन एरे सिंस रिटर्न कैन पास ओनली अ सिंगल वैल्यूड एक्सप्रेशन बैक टू द कॉलिंग पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम। यानी रिटर्न स्टेटमेंट को आप नहीं यूज कर सकते किसी एरे को रिटर्न करने के लिए, क्योंकि रिटर्न आप यूज करेंगे तो केवल वो सिंगल वैल्यूड एक्सप्रेशन उसको चाहिए रिटर्न होने के लिए। देयर फोर इफ द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे आर टू बी पास बैक टू द कॉलिंग पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम
एरे मस्ट आइदर बी डिफाइंड एज एन एक्सटर्नल एरे हूज स्कोप इंक्लूड्स बोथ द फंक्शन एंड द कॉलिंग पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम और इट मस्ट बी पास टू द फंक्शन एज ए फॉर्मल आर्गूमेंट। तो अगर आपको पूरी पूरी एरे को रिटर्न करानी है तो उसके दो तरीके हैं, या तो आप इसको या तो एरे को आप इस तरह डिफाइन कर दीजिए कि ये एक एक्सटर्नल एरे है, और नहीं तो फिर इट मस्ट बी पास टू द फंक्शन एज ए फॉर्मल आर्गूमेंट, देन ओनली यू कैन रिटर्न एन एरे। तो आई होप कि आपको ये एरे के सॉर्टिंग का प्रोग्राम क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट्स या कन्फ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कॉन्सेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।